नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे हाजीपुर बिहार की रहने वाली शिखा श्रीवास्तव जी ने भेजी है। शिखा जी एक लेखिका हैं जो प्रतिलिपि पर अपनी कहानियाँ लिखती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मम्मा मम्मा, मेरी बात सुनो ना। नन्हा विहान अपनी माँ संगीता की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। संगीता ने उसे गोद में लेते हुए कहा, बस थोड़ी देर रुक जाओ बेटे, मैं अंतिम खिलौना डिज़ाइन कर लूँ। संगीता एक जानी मानी खिलौना निर्माता कंपनी की हेड डिज़ाइनर थी। कोरोना महामारी की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण आजकल वो घर से ही अपना काम कर रही थी। उन दोनों के अलावा घर में विहान की एक आया रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो अपने गाँव से वापस नहीं आ पाई थी। विहान 6 बरस का प्यारा सा और एक बेहद ही बातूनी बच्चा था। हर वक्त उसकी जुबान पर कोई ना कोई कहानी मौजूद रहती थी। पहले तो उसकी आया चाव से उसकी कहानियाँ सुनती थी, लेकिन अभी वो भी छुट्टी पर थी और संगीता अपने काम में ही व्यस्त रहती थी, जिसके कारण विहान थोड़ा उदास रहने लगा था। जैसे ही संगीता ने अपना कंप्यूटर बंद किया, विहान बोला, मम्मा आप मेरे लिए एक बोलने वाली गुड़िया बना दो ना, मैं उसी से बातें किया करूँगा। विहान की भोली सी बातें सुनकर संगीता हंस पड़ी। कुछ सोचकर वो उठी और स्टोर रूम में चली गई। पिछले ही हफ्ते उसके बनाए कुछ खिलौने फैक्ट्री से जांच के लिए आए थे, जो दफ्तर बंद होने के कारण घर में ही रह गए थे। संगीता ने उन खिलौनों में से एक गुड़िया निकालकर विहान को खेलने के लिए दे दिया। वो गुड़िया वैसे तो देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी हो गई थी, जो कभी कभी डरावना सा एहसास भी दे जाती थी। विहान ने जैसे ही गुड़िया देखी वो खुशी से उछल पड़ा और संगीता के गले लगते हुए बोला, अरे वाह मम्मा, आप कितनी अच्छी हैं, इतनी जल्दी मेरे लिए इतनी प्यारी गुड़िया ले आई आप, अब तो मैं इससे खूब सारी बातें करूंगा। विहान गुड़िया को लेकर कमरे में चला गया और संगीता खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद जब संगीता और विहान खाने के लिए बैठे तो संगीता ने देखा विहान ने ना सिर्फ अपना खाना बहुत जल्दी खा लिया, बल्कि उसने संगीता की प्लेट से भी खाना लेकर खा लिया। संगीता थोड़ा हैरान हुई, फिर उसने सोचा शायद देर तक खेलने के कारण विहान को ज्यादा भूख लग गई होगी। खाना निपटाकर संगीता फिर कंप्यूटर के आगे आकर बैठ गई और विहान अपनी नई गुड़िया में मग्न हो गया। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि विहान के हंसने की आवाज से संगीता का ध्यान भंग हुआ। उसे आज विहान की हंसी बदली हुई लगी। वो चौंक कर उसके पास पहुंची तो देखा विहान गुड़िया को लेकर अलमारी के ऊपर चढ़कर बैठा है। उसे यूं देखकर संगीता घबरा सी गई। उसने घबराहट और गुस्से में विहान से पूछा, तुम अलमारी पर कैसे चढ़े, अगर गिर जाते तो? ये कौन सा खेल है विहान, चलो नीचे आओ। ओफो मम्मा, कितना मजा तो आ रहा है, गुड़िया ने मुझसे कहा कि हम यहाँ बैठकर खेलेंगे, उसका हाथ पकड़कर मैं आसानी से यहाँ आ गया, विहान ने मासूमियत से कहा। संगीता विहान की कहानियाँ बनाने की आदत से वाकिफ थी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी तरह विहान को नीचे उतारा। उसके उतरने के बाद संगीता बोली, अब तुम्हें अकेले कमरे में खेलने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ही बैठकर खेलो। विहान को अपने सामने देखकर संगीता ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। अब कुछ न कुछ अजीब घटनाएं रोज का क्रम बनती जा रही थी।
कभी विहान जरूरत से ज्यादा खाता, तो कभी अजीब सी आवाज में हंसता, कभी पलक झपकते ही किसी ऊंची जगह पर बैठा नजर आता, तो कभी उसका चेहरा संगीता को डरावना सा एहसास देता। विहान की हर बात में ये बात जुड़ी होती कि गुड़िया ने बोला ऐसा करो, गुड़िया ने बोला वैसा करो, लेकिन संगीता इसे विहान का बचपना समझकर भुला देती थी। इन सब बातों के असर से संगीता को लगने लगा कि वो शायद जरूरत से ज्यादा अपने काम में उलझ गई है और आराम के अभाव में उसे अजीब अजीब बातें दिखाई सुनाई पड़ने लगी है। इसलिए उसने तय किया कि वो कल ही बॉस से बात करके 2 दिनों की छुट्टी ले लेगी और अपने साथ साथ विहान का भी ख्याल रखेगी। लेकिन अभी रात बाकी थी। रात के खाने के लिए जैसे ही उसने विहान को आवाज दी तो विहान बोला, मैं नहीं खाऊंगा मम्मा। संगीता उसके कमरे में जाते हुए बोली, क्यों नहीं खाओगे? चलो जिद मत करो, आओ खाने पर। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना, गुड़िया ने मुझे खाने के लिए मना किया है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और फिर उसकी तरह गुड़िया बन जाऊंगा, विहान अजीब सी आवाज में बोला। उसके मुंह से मरने की बात सुनकर संगीता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने विहान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ये क्या, हाथ बीच में ही रुक गया। वो विहान को छू भी नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विहान की तरफ देखा तो पाया कि विहान की आंखें लाल हो चुकी थी, मानो उसमें खून तैर रहा हो। उसके हाथ में मौजूद गुड़िया से भी हंसने की आवाजें आ रही थी, जो अब संगीता को डराने लगी थी। सहसा गुड़िया और विहान दोनों की आवाज एक साथ संगीता के कानों से टकराई। थप्पड़ मारना तो दूर, ना तुम हमारे पास आ सकती हो और ना हमें छू सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। संगीता घबरा कर वहां से बाहर भाग आई। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ी शांत हुई तो फिर धीरे से विहान के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा विहान सो गया था, गुड़िया अभी भी उसके पास ही थी। संगीता को अब उस गुड़िया से डर लग रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने गुड़िया को विहान के पास से उठाया और उसे ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर गुड़िया के टुकड़ों को एक बॉक्स में पैक करके उसने डैमेज खिलौनों के साथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए डाल दिया। ओह, चलो उस मनहूस गुड़िया से छुटकारा मिला। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते हुए संगीता स्वयं से बोली। खुश होते हुए वो जैसे ही विहान के पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। बिस्तर पर विहान की जगह वही गुड़िया लेटी हुई थी और विहान एक गुड्डे के रूप में उसके हाथों में था। तुम्हें क्या लगा, तुमने मुझे खत्म कर दिया? मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं एक श्राप हूँ, ऐसा श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मुझे अपनी दुनिया में अपने जैसे ही कुछ साथी चाहिए थे। देखो, मैंने एक साथी ढूंढ लिया, अब तुम्हारा विहान भी गुड्डा बन चुका है। देखो, गुड़िया ने अजीब सी अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। पूरा कमरा उसकी आवाज से गूंज उठा था। संगीता अपने आप को संभाल नहीं सकी और बेहोश होकर वहीं गिर गई। बेहोशी में वो लगातार बड़बड़ा रही थी, छोड़ दो मेरे विहान को, छोड़ दो उसे गुड्डा मत बनाओ, प्लीज मेरे विहान को छोड़ दो। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके चेहरे पर पानी डाल रहा है। संगीता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने पानी का जग लिए विहान खड़ा था। विहान पर नजर पड़ते ही संगीता झटके से उठकर बैठ गई और उसे खींचकर सीने से लगा लिया। विहान ने घबरा कर पूछा, क्या हो गया था मम्मा आपको? पता है मैं कितना डर गया था, आप आंखें नहीं खोल रही थी और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फिर मैंने आया आंटी को फोन किया, तब उन्होंने कहा मुझे आपकी आंखों में पानी डालने के लिए। संगीता विहान को स्वयं से अलग किए बिना ही बोली,
कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, कुछ नहीं, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। भगवान का शुक्र है कि वो बस एक डरावना सपना था। थोड़ी देर बाद जब संगीता कुछ संभली तो उसने विहान से उस गुड़िया के बारे में पूछा। विहान ने रुआसा होकर कहा, पता नहीं मम्मा, गुड़िया कहाँ गई, मैं भी उसे ही खोज रहा हूँ। ये सुनकर संगीता चुपचाप स्टोर रूम की ओर गई। वहाँ डिब्बे में गुड़िया के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर उसे तसल्ली हुई। संगीता ने तुरंत माचिस निकाली और गुड़िया के टुकड़ों में आग लगा दी। देखते ही देखते टुकड़े धूं धूं करके जलने लगे। तभी विहान वहां पहुंच गया। गुड़िया को जलता हुआ देखकर वो रोते हुए चीखते हुए बोला, आपने मेरी गुड़िया क्यों जलाई मम्मा, अब मैं भी गुड्डा बन जाऊंगा। संगीता ने चौंक कर विहान को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, देखते ही देखते विहान का शरीर एक गुड्डे में परिवर्तित हो गया। रोती हुई संगीता ने जैसे ही उस गुड्डे को उठाया, उससे आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं एक श्राप हूँ, श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता। कहते हुए वो गुड़िया एक जोरदार हंसी में हंसने लगी। हवाओं में गूंजते हुए उस गुड़िया की हंसी ने संगीता के दिमाग को चीर कर उसे हमेशा के लिए पागलखाने की सलाखों के पीछे कैद कर दिया था, जिसके पीछे की वजह आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये कहानी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी नहीं है। ये आज के टाइम जो हमारे देश की हालत है उस बारे में लिखी एक हॉरर फैंटेसी है, जिसे सुनकर शायद हम सब थोड़े और बेहतर इंसान बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। भरी दोपहरी में अचानक ही आसमान घने काले बादलों से ऐसा घिरा जा रहा था कि चारों तरफ घूप अंधेरा सा छा गया था। अनहोनी की आशंका से घबराकर हर इंसान अपने अपने घर की तरफ भागा जा रहा था, साथ ही ईश्वर से अपनी और अपनों की खैर भी मना रहा था। इन इंसानों को ये भनक भी नहीं थी कि असल में उन घने काले बादलों के पीछे रचा जा रहा एक षड्यंत्र पृथ्वी से इंसानों के विनाश और शैतान को यहाँ का सम्राट बनाने का है। बादलों के पीछे अपने सिंहासन पर बैठा हुआ शैतानी दुनिया का सम्राट इंसानों को इस तरह भयभीत देखकर जोर जोर से अटहास कर रहा था। उसकी ये अटहास बादलों के गर्जन में परिवर्तित होकर सारी पृथ्वी को कपा रही थी। कुछ देर के बाद जब सम्राट की हंसी थमी, तब वहीं उपस्थित उसके मंत्री ने कहा, आज बहुत दिनों के बाद हमारे सम्राट के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आ रही है, हमें भी इस खुशी में सहभागी बनाइए महाराज। तुमने ठीक समझा, दरअसल कुछ समय से पृथ्वी पर राज करने की हमारी मनसा को ये इंसान अपनी बुद्धिमानी और एकता से धराशाही करने में जुट गए थे, लेकिन आज हमें एक बार फिर इस पृथ्वी को अपने अधिकार में लेने का रास्ता नजर आ गया है। बस यही वजह है मेरी प्रसन्नता की। कहते हुए शैतान सम्राट ने एक मुस्कान बिखेरी। मैं कुछ समझा नहीं सम्राट, कृपया थोड़ा विस्तार में बताएंगे, मंत्री ने एक बार फिर आग्रह किया। एक बार फिर अटहास करते हुए शैतान सम्राट ने कहना शुरू किया, तुम्हें तो पता ही है पिछले वर्ष हमने अपने कुछ शैतानों को एक खतरनाक विषाणु कोरोना का रूप देकर पृथ्वी पर विनाश करने के लिए भेजा था। हमारी योजना थी कि जब तक स्वयं को अति बुद्धिमान समझने वाले ये मानव प्रजाति इस कोरोना के असली रूप को समझकर
उससे लड़ने का कोई रास्ता निकाल पाएंगी, तब तक हम इस पृथ्वी पर से इंसानों के अस्तित्व को ही मिटा देंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने वाले ये इंसान और इनके बनाए हुए देशों ने ऐन मौके पर अपनी समझदारी और एकता से धीरे धीरे हमारे शैतानों का मुकाबला करना शुरू कर दिया और उसे कमजोर कर दिया। संपूर्ण इंसान प्रजाति की जगह हम मात्र एक चौथाई इंसान को ही अपना शिकार बना पाए और भारत, जो कि अन्य देशों के मुकाबले तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता था, उसने तो कमाल ही कर दिया। हमारे शैतानों को कमजोर करके पूरी तरह खत्म करने वाली दवाई बनाकर सारी दुनिया में बांटने लगा। और तो और, इस बार तो वहां राम मंदिर की नींव भी रख दी गई। इसके बावजूद एक दंगा तक नहीं भड़का कि हमें कुछ लोगों के रक्तपान का आनंद मिल सके। हमें तो ऐसा लगने लगा था मानो ये इंसान मिलकर ना सिर्फ हमें पृथ्वी से दूर कर देंगे, बल्कि यहाँ आकर हमारी शैतानी दुनिया भी तबाह कर देंगे। इतनी बात कहकर शैतान सम्राट एक बार फिर अर्ध मुस्कान में मुस्कुराने लगे। उसे मुस्कुराते हुए देखकर मंत्री समझ गया कि जरूर सम्राट के हाथ कोई अचूक उपाय, कोई अनमोल शैतानी शक्ति लगी है। उस नई शैतानी शक्ति के विषय में जानने के लिए उत्सुक मंत्री ने अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हुए पूछा, फिर क्या महाराज? फिर हमारी मुलाकात हुई ईर्ष्या और लोभ की देवियों से। ये देवियां भी हमारी तरह ही निराश थी, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए इंसान ने इन देवियों का पूरी तरह तिरस्कार कर दिया था। हर कोई, चाहे वो डॉक्टर हो या आम इंसान, वैज्ञानिक हो, सफाई कर्मी हो, सब्जी दवा किराने वाला कोई दुकानदार हो, सबके सब मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से हमारे कोरोना शैतानों का मुकाबला कर रहे थे। वो भूल ही गए थे कि ईर्ष्या क्या होती है, लोभ क्या होता है। इसलिए इन देवियों के मन में भी इंसानों के प्रति घृणा और बदले की भावना बहुत बढ़ गई है। और तुम्हें तो पता ही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए इस बार इन इंसानों के विनाश के लिए हमने और ईर्ष्या और लोभ की देवियों ने मिलकर एक योजना बनाई है। सम्राट ने अपनी बात पूरी की। वह सम्राट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आखिर ये योजना है क्या और हमें इसे सफल बनाने के लिए क्या क्या करना है, आदेश दीजिए। मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। अपनी योजना विस्तार से बताते हुए शैतान सम्राट ने कहना शुरू किया, इस बार हमारे हमले का केंद्र भारत होगा। हम भारत के विश्व गुरु बनने के सपने को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देंगे। पहले हम अपने शैतान सैनिकों के माध्यम से सभी इंसानों के दिलो दिमाग पर वार करेंगे। जैसे ही उनका दिमाग कमजोर हो जाएगा, हम वहां से कोरोना का खौफ मिटा देंगे, ताकि वो बेफिक्र होकर समारोह में जाए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर अपने प्रार्थना स्थलों में बिना सुरक्षा बिना दूरी के जाना शुरू कर दे, नदियों में सामूहिक स्नान करे। साथ ही जो इंसान नेताओं के वेश में आम इंसानों की अगुवाई करते हैं, उनका दिमाग कमजोर पड़कर चुनावी रणनीतियों में उलझ जाए, वो बिना सोचे समझे लंबी चौड़ी रैलियां करें। और फिर जैसे ही हमारे हमले से इन इंसानों का हृदय कमजोर होगा, ईर्ष्या और लोभ की देवियां तुरंत मजबूती से वहां अपना घर बना लेंगी। फिर उनके असर से ये नेता देश और देशवासियों की सुरक्षा भूलकर अपनी कुर्सी की सुरक्षा में लग जाएंगे। और ये मूर्ख इंसान जो अभी
मसीहा बने नजर आ रहे हैं। ये दूसरों की जान बचाने की जगह सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि एक की जगह 10 रुपए की आमदनी कैसे हो। कोई ऑक्सीजन का घोटाला करेगा, कोई दवाइयों की काला बाजारी करेगा, कोई अस्पताल के बिस्तर में घपला करेगा। ये सब करते हुए इन मूर्ख इंसानों के जहन से ये बात मिट जाएगी कि हमारे कोरोना शैतान जब चाहे तब इन्हें भी अपने लपेटे में ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इंसानों के अस्तित्व को मिटाने की जगह उन्हें ही शैतान में परिवर्तित करके अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेंगे। वह सम्राट, अब हमें पृथ्वी पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मैं अभी अपने योग्य सैनिकों को इस योजना को अंजाम देने पृथ्वी पर भेजता हूँ, मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। शैतान सम्राट की बनाई हुई योजना धीरे धीरे सफल होती हुई नजर आने लगी थी। भारत के चारों ओर हाहाकार मच गया था। महज कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से निर्दोष इंसानों के साथ साथ मानवता भी मरती हुई नजर आने लगी थी। ईर्ष्या और लोभ की देवियां दिन प्रतिदिन अपने बढ़ते हुए भक्तों की संख्या देखकर खुशी से भर गई थी। शैतान सम्राट भी इंसानों को शैतान में बदलता हुआ देखकर अपने शैतानी दिमाग की बुद्धिमता पर प्रसन्न हो रहा था। लेकिन वो भूल गया था कि हर युग में शैतान का संहार करने के लिए कोई ना कोई आता ही है। भले ही अभी इंसान कलयुग में जी रहा था, लेकिन अभी भी गिनती के कुछ इंसानों में, जिनमें से कुछ चिकित्सा जगत के, कुछ सेवा दल के, कुछ व्यापारी थे, कुछ आम लोग थे, जिनमें सतयुग वाली भावना जीवित थी। अपनी पावन पृथ्वी पर चल रहे शैतानों के इस षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए उन इंसानों ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को धीरे धीरे एकजुट करना शुरू कर दिया। शैतान सम्राट को जैसे ही इस बात की भनक हुई, उसने इन इंसानों पर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ना तो वो उनके दिमाग को दूषित कर पाया और ना ही हृदय को। फिर शैतान सम्राट ने अपने कोरोना शैतानों को उन पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन उन सतर्क इंसानों ने मास्क, सैनिटाइजर, लोगों से सुरक्षित दूरी, वक्त पर कोरोना से लड़ने वाले इंजेक्शन जैसे आधुनिक हथियारों का बुद्धिमता से प्रयोग करते हुए इन कोरोना शैतानों को अपनी हार मानने पर विवश कर दिया। आखिरकार इन इंसानों के निरंतर प्रयास से एक बार फिर शैतानी भावना की तुलना में मानवता और सेवा की भावना लोगों के मन मस्तिष्क में मजबूत होने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में शैतानी दुनिया बसाने की शैतान सम्राट की योजना एक बार फिर कमजोर पड़ने लगी। गुस्से में अपने दांत पीसता हुआ शैतान सम्राट इंसानों के खिलाफ किसी नई मजबूत योजना की तलाश में काले बादलों की अपनी दुनिया में धीरे धीरे गुम होता हुआ नजर आने लगा था। और इस दृश्य को देखती हुई मानवता अपने योद्धाओं पर फूल बरसाने निकल पड़ी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये दूसरी कहानी? दोस्तों, मुझे पता है ये एक हॉरर स्टोरी नहीं है, पर दोस्तों ये कहानी हम सब तक पहुंचनी शायद बहुत ज़रूरी थी। इसलिए दोस्तों, आप सबने ये कहानी सुनी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और कहानी का आनंद लें। थैंक यू।